वेलकम फ्रेंड वंस अगेन टू माय चैनल झड़बीसी बायोलॉजी ऑनलाइन। तो आज हम बात करेंगे बहुत सारे टॉपिक के बारे में। फर्स्ट टॉपिक जो है वो है सीमेन क्या होता है, उसके बाद में स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसके बाद में इनसेमिनेशन क्या प्रोसेस होती है, इनसेमिनेशन के टाइप्स कितने होते हैं, ओके, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और फर्टिलाइजेशन कितने टाइप के होते हैं, मतलब इन विवो फर्टिलाइजेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ओके, सारा कुछ एक ही वीडियो में स्टडी करेंगे। तो वीडियो जो है तो इम्पोर्टेंट है, और हाँ, वीडियो आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होगा, वीडियो सबसे अच्छा लगेगा आपको, तो पूरा देखना और वीडियो के बाद कमेंट जरूर करना, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सीमेन की, एक्चुअली सीमेन होता क्या है। तो अब सीमेन और स्पर्म में बहुत सारा डिफरेंस होता है, कैसे देखो आप, सीमेन किसे कहा जाता है, मेल का सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, पेनिस, ओके। तो पेनिस के थ्रू जो व्हाइटिश कलर का फ्लूड बाहर आता है, पेनिस के थ्रू जो व्हाइटिश कलर का फ्लूड बाहर आता है सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय, उसी व्हाइटिश फ्लूड को कहा जाता है सीमेन, उसे क्या कहा जाता है, सीमेन, ओके। अब कलर तो उसका व्हाइटिश है, ओके, उसके पीछे रीजन क्या है वो भी बताएंगे हम। तो सबसे पहले सीमेन जो है तो होता कितना है, पेनिस के थ्रू फोर्सफुली सीमेन बाहर आना, उस प्रोसेस को इजैकुलेशन कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे पेनिस के थ्रू सीमेन बाहर आना, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है इजैकुलेशन। और एक इजैकुलेशन के भीतर नियर अबाउट 3 to 4 ml सीमेन प्रेजेंट होता है। एक इजैकुलेशन में कितना सीमेन बाहर आता है मेल बॉडी से, 3 to 4 ml सीमेन बाहर आता है, ठीक है। आपको बहुत ही कम मात्रा लगती होगी ये, लेकिन नियर अबाउट 3 to 4 ml जो सीमेन होता है उसमें तकरीबन 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। हाउ मेनी स्पर्म्स आर प्रेजेंट, 300 मिलियन ऑफ स्पर्म्स आर प्रेजेंट। जो 3 to 4 ml सीमेन होता है उसमें स्पर्म कितने होते हैं, 300 मिलियन ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। तो इतनी ज्यादा मात्रा क्यों होती है स्पर्म की, मतलब ये है हमारा नॉर्मल स्पर्म काउंट, होता है ना स्पर्म काउंट। तो स्पर्म काउंट मतलब क्या, एक नॉर्मल पर्सन में कितना स्पर्म काउंट किया जाता है, ओके। तो एक नॉर्मल पर्सन में 200 से 300 के करीब होने चाहिए मिलियन ऑफ स्पर्म पर इजैकुलेशन, ओके। अब सीमेन जो है तो सीमेन कैसे फॉर्म होता है, सीमेन फॉर्म होता है मेल के बॉडी में, ओके, फीमेल के बॉडी में तो ये फॉर्म ही नहीं होता, ठीक है। अब सीमेन फॉर्म कैसे होता है, तो सबसे पहले सीमेन में 3 types ऑफ सॉल्यूशन पाए जाते हैं, ओके, मतलब स्पर्म मतलब सीमेन ऐसा नहीं होता है, जो हमने स्पर्म बताया यहां पे, तो स्पर्म मतलब सीमेन नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो सीमेन होता क्या है एक्चुअल में, सीमेन मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन इकट्ठा आ जाते हैं और उनसे फॉर्म होता है सीमेन, ओके। अब सीमेन में होता क्या क्या है, तो सीमेन में 60% होता है सेमिनल फ्लूड, कौन सा फ्लूड होता है, 60% सेमिनल फ्लूड प्रेजेंट होता है सेमिनल ग्लैंड का। उसके बाद 30% होता है प्रोस्टेटिक फ्लूड, प्रोस्टेट ग्लैंड का, जिसका कलर व्हाइटिश होता है और जिसी के कारण स्पर्म को भी और सीमेन को भी कलर आता है, ठीक है। और उसके बाद 10% ओनली 10% कौन होते हैं, स्पर्म्स। और स्पर्म को दूसरा नाम क्या है, स्पर्म को कहा जाता है स्पर्मेटोजुआ, स्पर्म इज ऑल्सो नोन एज स्पर्मेटोजुआ, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए सीमेन मतलब क्या, तो सीमेन मतलब सिंपल वर्ड में आपको कहना है सेक्स करते समय पेनिस से जो व्हाइटिश कलर का फ्लूड बाहर आता है उसे कहा जाता है सीमेन। सीमेन में क्या क्या होता है, तो सीमेन में नियर अबाउट 60% होता है सेमिनल फ्लूड, सेमिनल ग्लैंड का और सेमिनल वेसिकल का। उसके बाद होता है प्रोस्टेटिक फ्लूड 30% और उसके बाद 10% होते हैं स्पर्म्स, ओके। अब यहां पे देखो ये भी समझने वाली बात है कि स्पर्म के अलावा ये फ्लूड क्यों प्रेजेंट होता है सीमेन में, ओके। तो सेमिनल फ्लूड में 3 substances होते हैं, फर्स्ट फ्रुक्टोज जो हमारे स्पर्म को एनर्जी देता है, फ्रुक्टोज स्पर्म को क्या देता है,
एनर्जी मूवमेंट करने के लिए, मतलब जब फीमेल बॉडी के भीतर स्पर्म गिरेंगे तो उनको ऊपर जाना पड़ता है फॉलोपियन ट्यूब की तरफ फर्टिलाइजेशन के लिए। तो वहां तक जाने के लिए स्पर्म को क्या चाहिए? एनर्जी, जैसे हम बाइक में पेट्रोल डालते हैं, ओके। तो वैसा ही काम यहां पे कौन करता है? फ्रुक्टोज, मतलब फ्रुक्टोज प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म, ओके। दूसरा सब्सटेंस कौन सा होता है सेमिनल फ्लूइड में? दूसरा सब्सटेंस होता है फाइब्रिनोजन। सेमिनल फ्लूइड में दूसरा सब्सटेंस फाइब्रिनोजन होता है, जिसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कोएगुलेशन के लिए हेल्प करना। इजैकुलेशन होने के बाद सीमेन कोएगुलेट होने के लिए, जम जाने के लिए किसकी हेल्प होती है? फाइब्रिनोजन की। तो फ्रुक्टोज का काम पता चल गया आपको, एनर्जी प्रोवाइड करना। फाइब्रिनोजन का काम होता है कोएगुलेशन के लिए हेल्प करना। और एक सब्सटेंस होता है जिसे कहा जाता है प्रोस्टाग्लैंडिन, यह भी सब्सटेंस होता है सेमिनल फ्लूइड में। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है? इसका काम होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, इसका कॉन्ट्रैक्शन करना। जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है तो फर्टिलाइजेशन इजी तरीके से हो, इसके लिए फीमेल जेनिटल ट्रैक का कॉन्ट्रैक्शन करते रहना। तो इसके लिए कौन सा पार्ट हेल्प करता है? प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये तीनों सब्सटेंस सेमिनल फ्लूइड में होते हैं, ठीक है। अब एक बात आपको बता देता हूं, सपोज अगर रेप होता है किसी फीमेल पे, तो मेडिकल टेस्ट जब की जाती है तो ऐसा कहा जाता है मेडिकल टेस्ट 24 या 48 आवर्स के बीच में ही होने चाहिए। विद इन 24 या 48 आवर के बीच में मेडिकल टेस्ट होनी जरूरी है फीमेल की रेप केस में। क्यों? क्योंकि फीमेल बॉडी में सीमेन के ट्रेसेस पाए जाते हैं। जब एक पर्टिकुलर मेल है जो रेप करता है फीमेल पे, तो उसके सीमेन, उसका जो सीमेन होता है वो गिर जाता है फीमेल बॉडी में, जेनिटल ऑर्गन में और सेक्स ऑर्गन में। तो उस सीमेन में फ्रुक्टोज के ट्रेसेस मिलते हैं। अगर फ्रुक्टोज प्रेजेंट रहा फीमेल बॉडी में, फ्रुक्टोज कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं होता है, इन फीमेल बॉडी फ्रुक्टोज इज नॉट प्रेजेंट। अगर सपोज मेडिकल टेस्ट होती है उसमें फ्रुक्टोज पाया जाता है, तो यह कंफर्म हो जाता है फीमेल के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट किया गया है, मतलब रेप हुआ है या नहीं हुआ है। यह कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? यह आइडेंटिफाई किया जाता है प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ फ्रुक्टोज। अगर फ्रुक्टोज प्रेजेंस है तो इसका मतलब है रेप हुआ है, और अगर फ्रुक्टोज नहीं है तो इसका मतलब है रेप नहीं हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोस्टेटिक फ्लूइड की। इसका भी बहुत एक अलग रोल होता है। क्या होता है? फीमेल बॉडी में फीमेल का एक सेक्स ऑर्गन होता है जो आपको भी मालूम होगा, वजाइना नाम का, ठीक है। अब वजाइना में और यूटेरस में इन दोनों का पीएच बहुत ही एसिडिक होता है, ठीक है। तो बहुत सारे स्पर्म्स मर जाते हैं, मतलब ये जो 300 मिलियंस ऑफ स्पर्म है ना, तो ये सिर्फ काउंट करने के लिए 300 मिलियंस, इतने स्पर्म एक तक पहुंचते ही नहीं है। तो वहां तक जाने के लिए बहुत सारे स्पर्म रस्ते में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वजाइना और यूटेरस हाईली एसिडिक पीएच होता है उनका। अगर पीएच हाईली एसिडिक रहा कोई भी सब्सटेंस और कोई भी पार्टिकल वहां पे जाएगा तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो वजाइना में ज्यादा से ज्यादा स्पर्म डिस्ट्रॉय होते हैं, तो वजाइना की एसिडिटी थोड़ी बहुत न्यूट्रलाइज करने के लिए, वजाइना की एसिडिटी न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये बात आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखनी है, वजाइना की एसिडिटी न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन सा फ्लूइड हेल्प करता है? प्रोस्टेटिक फ्लूइड। तो ये आपको समझ में आया अब सीमेन मतलब क्या? सीमेन मतलब पेनिस से, जो सेक्स ऑर्गन होता है मेल का, पेनिस से व्हाइटिश कलर का जो फ्लूइड बाहर आता है उसे सीमेन कहा जाता है। सीमेन में कितना होता है एक इजैकुलेशन में सीमेन प्रोड्यूस? तो 3 to 4 ml और 13 मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, ओके। उसके बाद हमने बताया सीमेन में क्या क्या होता है। तो सीमेन में तीन टाइप के फ्लूइड होते हैं, सेमिनल फ्लूइड 60% होता है, प्रोस्टेटिक फ्लूइड 30% होता है, और स्पर्म 10% होते हैं। स्पर्म कितने होते हैं? सिर्फ 10%। और इन्हीं 10% स्पर्म में स्पर्म की क्वांटिटी कितनी होती है? 300 मिलियंस इतने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सेमिनल फ्लूइड में तीन सब्सटेंस पाए जाते हैं, फ्रुक्टोज जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है, फाइब्रिनोजन जो कोएगुलेशन के लिए हेल्प करता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन जो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्शन करता रहता है, ठीक है, इजी फर्टिलाइजेशन होने के लिए।
प्रोस्टेटिक फ्लूड क्या करता है, जो एसिडिटी होती है वजना की, बहुत ज्यादा एसिडिक नेचर होता है, उसे थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे क्या हो, स्पर्म कम मात्रा में डिस्ट्रॉय हो और ज्यादा से ज्यादा स्पर्म पहुंच सके एक तक। ओके, अब ये पता चल गया आपको सब कुछ, सेमेन क्या है और स्पर्म क्या है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आज से पेनिस से जो बाहर आता है वो होता है सीमेन, और सीमेन में सिर्फ 10% क्या होते हैं, स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं। और इन 10% स्पर्म में कितने स्पर्म्स प्रेजेंट होते हैं, 300 मिलियंस। अब आप पूछोगे एक का फर्टिलाइजेशन करने के लिए, मतलब ये एग है सपोज, एग और उसे हम ओयम भी बुला सकते हैं, ठीक है, तो फीमेल का एग और ओयम फर्टिलाइज करने के लिए कितने स्पर्म की जरूरत होती है, तो सिर्फ एक ही स्पर्म लगता है एक का फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो इतने स्पर्म क्यों प्रोड्यूस किए जाते हैं मेल के बॉडी के भीतर, तो इतने स्पर्म इसलिए प्रोड्यूस किए जाते हैं क्योंकि ज्यादातर स्पर्म रस्ते में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा स्पर्म रस्ते में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जो पाथवे होता है फीमेल का जहां तक स्पर्म को पहुंचना होता है, वहां तक जाने के लिए बहुत सारे स्पर्म रस्ते में मर जाते हैं, तो वहां तक पहुंचने के लिए इतनी बड़ी क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है स्पर्म की। अब मेल में दो प्रॉब्लम आ सकते हैं, कभी कभी मेल में, मैंने जो बताया नॉर्मल स्पर्म काउंट है इतनी होने चाहिए नॉर्मल प्रोड्यूस मेल में, अगर नहीं होते तो उसे कहा जाता है लेस स्पर्म काउंट। स्पर्म काउंट कैसे होगा लेस, मतलब अगर सपोज एक मेल है उसके बॉडी के भीतर 40-50 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो लेस स्पर्म काउंट है, ठीक है। अब लेस स्पर्म काउंट में क्या होता है, कभी कभी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, अगर हस्बैंड वाइफ है उनका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है फिर भी उन्हें बच्चा नहीं हो रहा है, तो उसके पीछे रीजन हो सकता है लेस स्पर्म काउंट का। तो उस वक्त ये मेथड जो देखने वाला है हम आगे, कौन कौन सी, ये इन यूट्रो फर्टिलाइजेशन और इन विवो फर्टिलाइजेशन, तो ये बहुत ही यूजफुल है इन सब लोगों के लिए। ओके, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। तो यहां पे हमने सीमेन क्या होता है ये तो देख लिया, उसके बाद में अब स्पर्म क्या होता है उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत जान लिया, लेकिन स्पर्म की डायग्राम नहीं देखी हमने, ठीक है। तो अभी स्पर्म देखेंगे हम कैसे होता है, स्पर्म देखो यहां पे स्पर्म कैसे होता है। तो सपोज अगर हम नॉर्मल स्पर्म ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप का होता है ह्यूमन स्पर्म, तो हम यहां पे रफली ड्रॉ करेंगे। आपको अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करना है तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आप ये वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं वो वीडियो। तो स्पर्म का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो हमारा स्पर्म कुछ, मेल का जो स्पर्म होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। ये होता है मेल का स्पर्म जो हमने रफली ड्रॉ किया, ठीक है। तो इसमें पार्ट कितने देखो यहां पे, सबसे मेन पार्ट जो होता है वो होता है हेड, जैसे रेलगाड़ी होती है उसके सामने इंजन होता है, वैसे ही ये पार्ट है कौन सा, हेड, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नेक रीजन, उसके बाद में है मिडल पीस, मिडल पोर्शन में, और उसके बाद में आता है टेल रीजन, ठीक है। हर एक पार्ट का मैं आपको पहले फंक्शन बता देता हूं। टेल रीजन का काम होता है मूवमेंट का, स्पर्म को मूवमेंट करनी पड़ती है, मतलब स्पर्म स्विम करते हुए वहां तक पहुंचता है, स्विमिंग करते हुए, ठीक है। तो लिक्विडिटी चाहिए स्पर्म को मूवमेंट करने के लिए, अगर लिक्विडिटी अवेलेबल होती है फीमेल बॉडी में तो स्पर्म इजीली मूवमेंट कर सकता है। तो मूवमेंट करने के लिए कौन सा पार्ट हेल्प करेगा, टेल रीजन, जो फ्लाजेला से बना हुआ रहता है, ठीक है। अब मिडल पीस जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है स्पर्म को लोकोमोशन करने के लिए और मूवमेंट करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना। तो इसी के कारण माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ स्पर्म क्यों कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल और पावर हाउस ऑफ स्पर्म क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे रीजन एक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी, जैसे फ्रुक्टोज भी एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, टू प्रोवाइड एनर्जी टू द स्पर्म फॉर लोकोमोशन। ओके, उसके बाद में ये नेक रीजन है, तो नेक रीजन में क्या होते हैं, यहां पे सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, कौन प्रेजेंट होता है, सेंट्रियोल्स। अब सेंट्रियोल की हेल्प फर्टिलाइजेशन के वक्त होती है एक, और एक सेंट्रियोल की हेल्प एक्सियल फिलामेंट फॉर्म करने के लिए होती है, ठीक है। अब यहां पे देखो सबसे मेन पार्ट कौन सा है, हेड,
तो ऊपर का जो पार्ट होता है वो होता है एक्रोसोम, जिसके भीतर एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। और ये जो पार्ट है ये है न्यूक्लियस, स्पर्म का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के भीतर होते हैं 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, दैट मींस n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होता है हमारा न्यूक्लियस स्पर्म के अंदर। हाइट, कलर, जो कुछ भी होता है हमारी बॉडी कैरेक्टर्स, वो पूरे के पूरे बॉडी कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए वो इंफॉर्मेशन कौन लेके जाता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के भीतर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23। ओके, अब एक्रोसोम का काम क्या है? एक्रोसोम का काम होता है टू ब्रेक द वॉल ऑफ एग, टू ब्रेक एग वॉल। एग की वॉल ब्रेक करने के लिए एक्रोसोम की हेल्प होती है। कैसे देखो आते हैं, सपोज ये फीमेल एग है तो उसके अराउंड 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। अब स्पर्म को अगर एग के भीतर जाना है तो सबसे पहले स्पर्म को बाहर की वॉल ब्रेक करनी पड़ती है, उसके बाद वो अटैच होता है सेकंड लेयर को, उसके बाद यहां पे फिर से इस लेयर को ब्रेक डाउन करना पड़ता है, और उसके बाद में इनर मोस्ट लेयर को अटैच होता है, और तब जाके स्पर्म अंदर अपना न्यूक्लियस डाल देता है, ठीक है। ये है सपोज स्पर्म का न्यूक्लियस, और एग में पहले से कौन सा होता है? फीमेल न्यूक्लियस। ओके, तो तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा सामने जाके। तो एग की वॉल ब्रेक करने के लिए यहां पे एंजाइम्स लगते हैं, तो हेलुरोनिडेज, जोनालाइसिन, ये बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो स्पर्म में प्रेजेंट होते हैं, कौन से पार्ट के भीतर? एक्रोसोम के भीतर, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है स्पर्म का, तो इसे आप स्पर्म बुला सकते हैं और स्पर्मेटोजू कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पर्म। अब इनसेमिनेशन क्या होता है, किसे कहा जाता है इनसेमिनेशन? इनसेमिनेशन देखो क्या होता है, इसके वर्ड में ही पूरा मीनिंग है इनसेमिनेशन। इनसेमिनेशन मतलब क्या? तो इनसेमिनेशन का मीनिंग होता है इन मतलब अंदर और सेमिनेशन मतलब सीमेन। तो यहां पे दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है इन और सीमेन। सीमेन बॉडी के भीतर डालना, उसे कहा जाता है इनसेमिनेशन। मतलब अगर सपोज हम फीमेल ले ले, फीमेल बॉडी, ओके, तो फीमेल बॉडी के अंदर सीमेन इंजेक्ट करना और सीमेन ट्रांसफर करना, सीमेन फीमेल बॉडी के अंदर ट्रांसफर करना, उसी प्रोसेस को कहा जाता है इनसेमिनेशन। द प्रोसेस इन विच सीमेन इज ट्रांसफर फ्रॉम मेल टू फीमेल, द प्रोसेस कॉल्ड एज इनसेमिनेशन। अब आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे जानवर होते हैं उनमें क्या किया जाता है? इनसेमिनेशन किया जाता है, और ह्यूमन में भी किया जाता है। जैसे अभी फिलहाल के लिए एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, जो फिल्म थी मतलब जिसका नाम था गुड न्यूज, तो उस फिल्म में भी इनसेमिनेशन हुआ था। तो इनसेमिनेशन दो टाइप की होती है, पहले ये बता देता हूं मैं आपको। इनसेमिनेशन कितने होते हैं? दो। एक इनसेमिनेशन होता है आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, और दूसरा होता है नेचुरल इनसेमिनेशन। अब कैसे देखो, सीमेन फीमेल बॉडी में डालने के लिए हमारे पास दो रास्ते। एक, अगर नेचुरली सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है, मतलब अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है मेल और फीमेल का, और उसके थ्रू अगर सीमेन गिरते हैं तो वो तो नेचुरल प्रोसेस हो गई, ठीक है। लेकिन अगर पर्सन के हेल्प से किसी डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर और कोई भी जो पर्सन है उसके थ्रू अगर हम सीमेन डालते हैं फीमेल बॉडी के भीतर, मतलब यहां पे ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है, तो अगर ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट रही तो उस प्रोसेस को आर्टिफिशियल प्रोसेस कहा जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर सपोज वेटरनरी डॉक्टर है तो आपने देखा होगा कि जो हमारे गांव में और बहुत सारे जगह पे क्या होता है, जो हॉस्पिटल्स होते हैं एनिमल्स के रिगार्डिंग, तो वहां पे जो एनिमल्स होते हैं, सपोज ये एनिमल्स है, तो इनमें क्या होता है, एनिमल्स के बॉडी के भीतर सीमेन डाल दिया जाता है। मतलब सपोज हमारे पास सीमेन है मेल का, ओके, और मेल का सीमेन हमें डालना है फीमेल बॉडी में, ठीक है। तो ये कौन है? सपोज ये फीमेल है, ठीक है, सपोज ये एक पर्टिकुलर फीमेल है जिसके बॉडी में हमें सीमेन डालना है। तो अब यहां पे क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स यहां पे आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन करते हैं। तो आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन मतलब क्या?
आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू, और आर्टिफिशियल क्या करना, सीमेन फीमेल बॉडी में जेनिटल पार्ट में ट्रांसफर करना, उस प्रोसेस को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एनिमल में ही होता है, ये हमारे बॉडी के भीतर भी होता है, ह्यूमन के बॉडी के भीतर, जहां पे क्या किया जाता है, हस्बैंड से सीमेन लिया जाता है और स्पर्म लिए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं, और उसके बाद वो सीमेन और वो स्पर्म वाइफ के बॉडी में, मतलब जेनिटल पार्ट में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो यहां पे इन्वॉल्वमेंट किसकी है, कोई ना कोई पर्सन की, मतलब डॉक्टर्स जो होते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, सर्जन जो होते हैं, उनके इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल मेथड कहा जाएगा। कौन सी मेथड है ये, आर्टिफिशियल। और अगर नेचुरली होता है इंसेमिनेशन तो उसे नेचुरल इंसेमिनेशन कहा जाता है। ठीक है, तो इंसेमिनेशन मतलब क्या, इंसेमिनेशन मतलब सीमेन ट्रांसफर करना फीमेल बॉडी में, सिंपल। और इंसेमिनेशन के टाइप कितने होते हैं, दो, आर्टिफिशियल और नेचुरल। नेचुरल मतलब नेचुरली हुआ तो, और आर्टिफिशियल मतलब अगर कोई स्पेशलिस्ट, कोई सर्जन और कोई डॉक्टर रहा तो। ठीक है, अब यहां पे ये हो गया इंसेमिनेशन, और उसके टाइप भी देख लिए हमने। ठीक है, टाइप कितने हैं, दो, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड नेचुरल इंसेमिनेशन। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी दो एनिमल का अगर सपोज सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है, तो आपको भी पता होगा शायद, जब दो एनिमल का सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है तो ह्यूमन जैसा नहीं होता है। दो एनिमल का अगर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हमें करना है, फीमेल को प्रेग्नेंट करना है, एनिमल जो होता है उसको प्रेग्नेंट करना है फीमेल जो है वो, तो तब क्या किया जाता है, मेल लाया जाता है एक पर्टिकुलर, और उसका सेक्स फीमेल के साथ किया जाता है। लेकिन ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक कंडीशन है, तब मेल तैयार होना चाहिए और फीमेल की भी वैसी सिचुएशन होनी चाहिए कि दोनों फेवरेबल हो सेक्सुअल कॉन्टेक्ट करने के लिए। लेकिन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन अगर आते हैं नेचुरल मेथड में, तो तब डॉक्टर क्या करते हैं, मेल से सीमेन लेते हैं और फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करते हैं। तो यहां पे बहुत ही इजी तरीका है ये, मतलब ह्यूमन बॉडी में भी ऐसा ही किया जाता है। अगर मैंने पहले बताया जैसे कि बहुत सारे मेल में लेस स्पर्म काउंट होते हैं, तो अगर स्पर्म कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं हमारे बॉडी के भीतर, तब भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब साइंस इतना मॉडर्न हो चुका है कि क्या किया जाता है, हस्बैंड की बॉडी से स्पर्म लिए जाते हैं जो लेस स्पर्म काउंट है और बहुत कम है, उनको प्रॉपर तरीके से वही डाल दिया जाता है जहां उनकी जरूरत होती है, मतलब फीमेल बॉडी में डायरेक्टली। तो जो रास्ता होता है, जहां पे हमने नेचुरल पाथवे की बात की थी जिसके थ्रू स्पर्म को ऊपर जाना पड़ता है, तो वो लोकोमोशन और वो प्रोसेस ही करनी नहीं पड़ेगी स्पर्म को। तो ये बहुत ही अच्छी मेथड है जिसके थ्रू हम फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं और फीमेल को प्रेगनेंसी ला सकते हैं। ये एनिमल में भी यूज होती है और ह्यूमन में भी यूज होती है। तो ह्यूमन में यूज होने के लिए कौन सी मेथड बताई थी मैंने आपको, बताया गुड न्यूज। तो गुड न्यूज पिक्चर में वहां पे क्या होता है, जो अक्षय जी होते हैं उनका स्पर्म लिया जाता है और उनका स्पर्म सैंपल लिया जाता है और वो ट्रांसफर किया जाता है उनकी जो वाइफ होती है, जो फिल्म में दिखाई गई है करीना जी, उनके साथ। तो ये जो होता है, यहां पे क्या हुआ, सीमेन ट्रांसफर किया गया मेल बॉडी से फीमेल बॉडी में, तो ये इंसेमिनेशन ही है। लेकिन कौन सा है, नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, तो ये है आर्टिफिशियल मेथड। ओके, अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन के टाइप कितने होते हैं। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन मतलब, फर्टिलाइजेशन का मीनिंग होता है फीमेल गैमेट जो होता है जिसे एग कहा जाता है, सपोज ये एग और ओयम है फीमेल का, और इसका फ्यूजन अगर स्पर्म के साथ होता है, मतलब सपोज ये स्पर्म है और स्पर्म के साथ एग का फ्यूजन होता है, ये कौन है, स्पर्म। तो अगर स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। कौन सी प्रोसेस है वो, फर्टिलाइजेशन। ओके, तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विथ एग नोन एज फर्टिलाइजेशन। और आप ऐसा भी कह सकते हैं, स्पर्म किसने प्रोड्यूस किया, मेल ने, तो इसे कहा जाता है मेल गैमेट। ओके, और एग और ओयम किसका होता है, फीमेल का, तो इसे कहा जाता है फीमेल गैमेट। मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होना मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन। ओके, अब फर्टिलाइजेशन के भी दो टाइप होते हैं, कैसे, देखो, अगर बॉडी के भीतर फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसे कहा जाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। अब आपको ज्यादा ध्यान देना है यहां पे,
अगर बॉडी के भीतर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे कहा जाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, और वो ह्यूमन में आपको देखने को मिलेगा। हमारे बॉडी के भीतर क्या होता है, मेल और फीमेल का सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है और सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू सीमेन फीमेल बॉडी में डाल दिया जाता है। तो फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, मैं आपको पहले डायग्राम भी दिखा देता हूं फीमेल जेनिटल ट्रैक की। तो सपोज ये फीमेल बॉडी है, फीमेल जेनिटल सिस्टम है जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह सकते हैं। ओके, तो यहां पे क्या होता है, तो कुछ इस टाइप की होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब यहां पे क्या होगा, देखो फीमेल में दो ओवरीज होती है, ओवरी के भीतर एक प्रोड्यूस होता है, ठीक है, ये एक यहां पे आता है फॉलोपियन ट्यूब में। ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है फॉलोपियन ट्यूब जिसे ओविडक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो फिलहाल हम इसे कर देते हैं फॉलोपियन ट्यूब। अब अगर आपको पूछा जाए फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है बॉडी में, तो सबसे पहले ये जो पार्ट होता है नीचे वाला, ये होता है वजाइना, सेक्स ऑर्गन फीमेल का, सेक्स करने के लिए हेल्प करता है। उसके बाद में ये होता है यूटरस जहां पे एम्ब्रियो डेवलप होता है आगे चल के। ओके, और उसके बाद में ये होता है फॉलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट, और उसके बाद में ये होता है ओवरी। तो ओवरी के भीतर एक प्रोड्यूस होने के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू यहां पे एक आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सपोज हमने ऐसा मान लिया कि फॉलोपियन ट्यूब में अभी फिलहाल एक प्रेजेंट है, तो ऐसा कहा जाता है एक यहां पे एक दो दिन के लिए ठहरता है, ठीक है। अगर तभी फीमेल बॉडी में स्पर्म आ गए, तभी फीमेल का और मेल का सेक्सुअल कॉन्टेक्ट हो गया और तभी स्पर्म फीमेल बॉडी में आ गए यहां पे, तो ये स्पर्म मूव करते हुए वहां तक जाएंगे जहां पे एक प्रेजेंट है, और लास्ट में यहां पे ऐसा कहा जाता है 100-200 स्पर्म सिर्फ एक तक पहुंचते हैं। एक तक कितने स्पर्म पहुंचते हैं, 100-200 स्पर्म, और ज्यादा से ज्यादा 150 स्पर्म वहां पे पहुंच जाते हैं एक के सरफेस तक। तो जब स्पर्म एक के साथ फ्यूज होते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्म और एक का फ्यूजन, मतलब क्या, फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन कहां पे हुआ, ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के भीतर हुआ हमारे, हमारी जो फीमेल होती है ह्यूमन में, तो फीमेल के बॉडी के भीतर होता है फर्टिलाइजेशन, इसी के कारण उसे कहना है आपको इन विवो फर्टिलाइजेशन। ओके, अब यहां पे देखो कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसे कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। कौन सी मेथड है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब ये क्या चीज है भाई, इसे क्या कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इन फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, सपोज इसे स्पर्म कलेक्ट किया, उसके बाद में फीमेल से एक कलेक्ट किया, बॉडी के बाहर इन दोनों का फ्यूजन किया स्पर्म और एक का, और यहां पे फर्स्ट सेल बना दी, कौन सी, जायगोट। फर्स्ट सेल कौन सी बनती है, जायगोट, जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, स्पर्म में हैप्लॉयड। ओके, और एक में भी कितने होते हैं, हैप्लॉयड, एन प्लस एन ट्वाइस एन। ओके, तो यहां पे जायगोट फॉर्म होता है, तो एम्ब्रियो फॉर्म हो गया यहां पे, और ये एम्ब्रियो बाद में फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो आपको क्या बताना है, अगर बॉडी के भीतर स्पर्म और एक का फ्यूजन होता है तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इन विवो फर्टिलाइजेशन, जो ह्यूमन में देखने को मिलता है। और बाकी के जो एनिमल्स होते हैं बहुत सारे, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बॉडी के बाहर अपना जो गैमेट होता है उसे रिलीज कर देते हैं, मतलब स्पर्म और एक का फ्यूजन बॉडी के बाहर होता है, तो उस प्रोसेस को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। अब आप पूछोगे ये मेथड ह्यूमन के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, या नहीं है, तो ये ऑफकोर्स डेफिनेटली ये मेथड ह्यूमन के लिए एप्लीकेबल है। कैसे, देखो यहां पे हमने पहले बताया कि जो मेल होते हैं जिनमें स्पर्म बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब के थ्रू, मतलब लैब में टेस्ट ट्यूब के थ्रू क्या करते हैं, वो स्पर्म और एक का फ्यूजन करते हैं। ओके, मतलब यहां पे बॉडी के बाहर ही हुआ ना फर्टिलाइजेशन, तो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करते हैं और उसके बाद में एम्ब्रियो फॉर्म होने के बाद, जायगोट, जायगोट का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद एम्ब्रियो बनता है। ओके, तो सपोज ये एम्ब्रियो है और ये एम्ब्रियो बाद में ट्रांसफर कर दिया जाता है फीमेल बॉडी में, कौन से जगह पे, यहां पे, कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है वो एम्ब्रियो, वो एम्ब्रियो यहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है, ठीक है, जिसके भीतर बहुत सारी सेल्स है।
और बाद में ये एम्ब्रियो क्या करता है, यूट्रस के वॉल के साथ खुद के अटैचमेंट कर लेता है। तो यहां पे जब आप लास्ट में स्ट्रक्चर देखते हो प्रेगनेंसी का, तो नाइन्थ मंथ में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें शो होता है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है वहां पे, जिसमें इस सैक के भीतर यहां पे कौन होता है, यहां पे होता है फिटस, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर कौन सा है, ये स्ट्रक्चर है प्लासेंटा का। ओके, तो यहां पे आपको क्या बात ध्यान में रखनी है, अगर फीमेल बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब बॉडी के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन होता है, तो वो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन करके बाद में एम्ब्रियो को बॉडी के भीतर डाल दिया जाता है। तो यहां पे फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के बाहर हुआ ना, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ओके, इन विट्रो मतलब बॉडी के भीतर, इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर। अब बात आती है कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है मेल और फीमेल में। तो यहां पर देखो, कभी कभी क्या होता है, अगर सपोज फीमेल है ना, फीमेल है सपोज, और फर्टिलाइजेशन कहां पे होता है, फॉलोपियन ट्यूब में, यहां पे एम्पुला रीजन में। ठीक है, यही फर्टिलाइजेशन साइट होती है, कौन सी, फॉलोपियन ट्यूब। अब अगर सपोज कुछ फीमेल में यहां पे ब्लॉकेज है, ओवरी से, ओवरी में एक प्रोस होता है, लेकिन वो एक यहां पे नहीं आ सकता है, कहां पे, फॉलोपियन ट्यूब में, तो उस वक्त डॉक्टर्स क्या करते हैं, यहां पे मेल बॉडी से स्पर्म कलेक्ट करते हैं और उन स्पर्म को, मतलब इन स्पर्म को वहां पे डाल दिया जाता है जहां पे एग होता है। तो इस प्रोसेस में क्या किया डॉक्टर्स ने, यहां पे इस प्रोसेस को बुलाया जाता है गिफ्ट। आपको, आपने सुना होगा ये वर्ड गिफ्ट क्या होता है, तो गिफ्ट का मीनिंग होता है गमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। मतलब यहां पे क्या ट्रांसफर किया जा रहा है फीमेल बॉडी में, स्पर्म, स्पर्म कौन है, गमिट मेल का। तो यहां पे गमिट अगर ट्रांसफर कर दिया जाए तो उस प्रोसेस को कहा जाता है गिफ्ट, गमिट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। अगर स्पर्म डाल दिया फीमेल बॉडी में, मतलब गमिट ट्रांसफर किया, तो गिफ्ट। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक तो वहां पर आ जाता है यहां पर और स्पर्म नहीं आ सकती यहां पर, लेस स्पर्म काउंट रहा, तो तब भी कौन सी टेक्निक यूज कर सकते हैं हम, गिफ्ट। मतलब दोनों कंडीशन में, अगर एक नहीं आ सकता यहां पे तब भी हम गिफ्ट यूज कर सकते हैं, अगर लेस स्पर्म काउंट रहा तब भी हम गिफ्ट यूज कर सकते हैं बच्चा होने के लिए। जिन पेरेंट्स को लगता है और जिन हस्बैंड वाइफ को लगता है कि हमें बच्चा चाहिए, तो वो गिफ्ट मेथड यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो आसानी से प्रेग्नेंट हो सकते हैं और अपना खुद का चाइल्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है, और एक टेक्निक है जिसे कहा जाता है जिप्ट। अब जिप्ट क्या होता है, जिप्ट मतलब एग और स्पर्म इनका फ्यूजन बॉडी के बाहर करना, इससे जायगोट बनाना, मतलब एम्ब्रियो फॉर्म करना। जायगोट मतलब क्या फॉर्म हुआ यहां पे, एम्ब्रियो। ओके, तो जायगोट ट्रांसफर कर दिया जाता है, तो इसी के कारण इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा जायगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। मतलब फॉलोपियन ट्यूब में क्या ट्रांसफर किया जा रहा है, जायगोट। तो अगर जायगोट ट्रांसफर किया तो जायगोट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर, और गमेट ट्रांसफर किया तो गमेट इंट्रा फॉलोपियन ट्रांसफर। तो एक बात मैं आपको क्लियर समझा देता हूं, रुको एक मिनट। देखो यहां पे हमने पहले फर्टिलाइजेशन जो है, तो फर्टिलाइजेशन देख लिया हमने, एग और स्पर्म का फ्यूजन मतलब फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो टाइप के होते हैं, बॉडी के भीतर हुआ तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर हुआ तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन देख लिया हमने। यहां पे दो टेक्निक होती है, एक होती है गिफ्ट, गमिट ट्रांसफर किया गया तो, और एक होती है जिप्ट, मतलब जायगोट ट्रांसफर कर दिया गया तो। ओके, अब मैं आपको पूछता हूं कि वहां पर मैंने जो मूवी बताई थी आपको, कि जिसपे बहुत सारे पिक्चर भी बने और मूवी भी बनी है, जहां पर गमिट ट्रांसफर कर दिया जाता है अगर कॉम्प्लिकेशन आता है मेल और फीमेल में, मतलब फीमेल में कॉम्प्लिकेशन है, ओवरी से एग नहीं आ सकता है वहां तक फॉलोपियन ट्यूब तक, और मेल में स्पर्म काउंट है लेकिन कम है, थोड़े जितने चाहिए उतने नहीं है, 200-300 मिलियन नहीं है, 40-50 मिलियन है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में
हम गिप्ट और जिप्ट इस मेथड के थ्रू जो है तो प्रेग्नेंट कर सकते हैं आसानी से, जो खुद की वाइफ होती है उनको। तो इस टेक्निक के थ्रू, मॉडर्न साइंस के थ्रू, हम उनको एक टाइप का गिफ्ट ही देते हैं, जिसके कारण इसे बहुत अच्छा वर्ड दिया गया है और अच्छा एक वर्ड यहां पे बन गया है। कौन सा? गिफ्ट और जिप्ट। गिफ्ट मतलब गमी ट्रांसफर करना और जिप्ट मतलब जायगोट ट्रांसफर करना। तो अब आपको ये तो क्लियर हो गया होगा डाउट। कौन सा डाउट? कि अगर कॉम्प्लिकेशन है हस्बैंड वाइफ में, अगर मतलब अगर आगे चल के आपकी अगर शादी होती है तो हस्बैंड में लेस स्पर्म काउंट है, नॉर्मल नहीं है, और अगर फीमेल में भी कॉम्प्लिकेशन है, तब हम ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आसानी से हम फीमेल को जो है तो वो प्रेग्नेंट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप ये जो पूरी प्रोसेस थी, मतलब सीमेन क्या होता है, तो सीमेन मतलब पेनिस से जो बाहर आता है वो, स्पर्म जो, स्पर्म मतलब मेल का गैमेट, इनसेमिनेशन मतलब सीमेन ट्रांसफर करना। इनसेमिनेशन कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? आर्टिफिशियल एंड नेचुरल। उसके बाद फर्टिलाइजेशन मतलब एग और स्पर्म का फ्यूजन। टाइप्स कितने होते हैं? दो, इन विवो एंड इन विट्रो। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में कितनी मेथड आती है? दो, जिप्ट एंड गिप्ट। और हां, ये आपको बताना भूल गया मैं यहां पे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम टेस्ट ट्यूब बेबी है। क्या है दूसरा नाम? टेस्ट ट्यूब बेबी। तो यहां पे हम लिखेंगे, क्यों कहा जाता है इसे टेस्ट ट्यूब बेबी? क्योंकि टेस्ट ट्यूब के हेल्प से यहां पे बेबी फॉर्म कर दिया जा रहा है, कारण इसे टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। ओके, तो आई थिंक आपको ये पूरा लेक्चर जो है तो आसानी से समझ में आया होगा। ओके, तो ऐसी कुछ घबराने की बात नहीं है। अगर सपोज मैं मेल हूं और मेरे बॉडी के भीतर स्पर्म काउंट लेस है तो मैं गिफ्ट यूज कर सकता हूं। अगर मैं फीमेल हूं तो अगर मेरे बॉडी के भीतर एग वहां तक नहीं पहुंचता है जहां तक पहुंचना चाहिए, तो वहां वहीं पे भी हम गिफ्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप ऐसा पूछोगे कि मेल और फीमेल, हस्बैंड और वाइफ दोनों में कॉम्प्लिकेशन है, तब हम क्या कर सकते हैं? तो तब हम जिप्ट जो है जायगोट, मतलब फीमेल से एग लेना, मेल से स्पर्म लेना, दोनों का बॉडी के बाहर फ्यूजन करना और एम्ब्रियो डेवलप करना, और उसके बाद एम्ब्रियो ट्रांसफर करना बॉडी में, तो इसे जिप्ट कहा जाता है। ठीक है, और एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम बच्चा पैदा कर सकते हैं, जो कहा जाता है, मतलब जो फॉरेनर्स होती है उनमें क्या होता है कि जो ऑफिशियल वर्क जो करती है, मतलब जो वर्किंग फीमेल होती है, हमारी कंट्री में थोड़ा कम देखने को मिलता है, लेकिन बाहर की कंट्रीज में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है, जो वर्किंग फीमेल होती है वो इतने दिन तक, मतलब 9 मंथ तक प्रेगनेंसी नहीं रख पाती है, तो वो क्या करती है, वो एम्ब्रियो खुद की बॉडी से दूसरे के बॉडी में डाल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलिस्ट और विद द हेल्प ऑफ सर्जन। तो उस प्रोसेस को जो है तो उस प्रोसेस को जिप्ट कहा जाता है, मतलब एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उस मदर को सरोगेट मदर कहा जाता है, जो मदर सिर्फ अपनी बॉडी प्रोवाइड करती है वो पैदा करने के लिए। ओके, तो सब कुछ बड़ा आपको आज के लेक्चर में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको आने वाले जो वीडियोज है वो रेगुलरली मिलते रहे। और हाँ, वीडियो जो है तो अपने फ्रेंड्स दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि सबको पता चलेगी क्या एक्चुअली होता क्या है। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।